हेलो दोस्तों, मंजूस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ की लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो कि मकर संक्रांति में सभी के यहाँ बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, तिल और गुड़ की लड्डू बनाने के लिए तिल लिए हैं। तिल को पहले रोस्ट कर लेते हैं। तिल को अच्छी तरह से भून लेना है, इसे थोड़ा सा जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। देखिए दोस्तों, उतना ज्यादा भी नहीं भूनना है कि ज्यादा ज्यादा स्वाद आए। दोस्तों, तिल को हमें कम आंच में ही भूनना है, तेज आंच में भूनेंगे तो तिल जल जाएगा, इसलिए कम आंच में इसे अच्छी तरह से भूने। गुड़ को देखिए छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चम्मच घी डाल दिए हैं। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ पिघलाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। जितना तिल ले उतना ही गुड़ ले, तभी तिल के लड्डू अच्छी बनेगी। दोस्तों, गुड़ पिघल चुका है, हमें इसे चाशनी बनाना है। अभी पकाना है इसे थोड़ी देर तक। दोस्तों, हमें कटोरी में पानी लेकर चेक कर लेना है कि चाशनी बनी कि नहीं। देखिए, इस तरह से कटोरी में पानी लेंगे। देखिए, अभी नहीं बनी है दोस्तों, अभी फैल जा रही है, एकदम कैंडी जैसी इसे चाशनी बनानी है। कैंडी बनाने के लिए जो चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से चाशनी बनानी है। दोस्तों, एक बार और चेक कर लेते हैं चाशनी बना कि नहीं है, पूरी वाली चाशनी। थोड़ी सी और पकेगी दोस्तों, चाशनी का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ज्यादा पक जाने पर लड्डू हार्ड हो जाएगी, इसलिए हमें गुड़ वाली चाशनी बनाने टाइम ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई। देखिए जम जा रही है, देखिए इकट्ठा कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से इकट्ठा हो जा रही है, यानी चाशनी तैयार हो गई है। दोस्तों, चाशनी को हमें तिल में मिला लेना है। लड्डू हमें बहुत जल्दी जल्दी बनानी होगी दोस्तों, नहीं तो गुड़ बहुत जल्दी जम जाएगी, फिर लड्डू नहीं बांध पाएंगे। हमें जल्दी जल्दी मिला लेना है। देखिए, तिल और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हमें जल्दी से लड्डू बनाना शुरू कर देना है। देखिए, एक कटोरी में पानी ले लेंगे, हाथ को इस तरह से हमें पानी में डुबो देना है हथेली को, क्योंकि हमें गर्म में ही लड्डू बांधनी है, ठंडी हो जाएगी तो नहीं बांध पाएंगे। हाँ, तो वो भिगा ले दोस्तों। पूरा लड्डू बनने के बाद दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों, मकर संक्रांति स्पेशल हमारा तिल और गुड़ का लड्डू बनके तैयार हो गया। देखिए, बनाना बहुत ही आसान है, बस गुड़ की चाशनी बनाते समय ध्यान देना है, ज्यादा नहीं पकाना है इसको। लड्डू गर्म में ही बांधे, इतना ज्यादा भी गर्म नहीं हो, उतना गर्म होना चाहिए जितना हाथों को सह सके, नहीं तो ठंडा होने पर लड्डू आप नहीं बना पाएंगे, जल्दी जम जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।